सो हे गज्र कैसे हो, वेलकम बैक बनादा न्यू वीडियो। भाई आपका गया फिर से न्यू वीडियो के साथ। तो गज्र कैसे हो, आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। सो गज्र कैसे हो, आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो भाई यहाँ पे बात करने वाले हैं काफी सारे फिर से अपकमिंग अपडेट एंड गजी फिट्स के बारे में, जो हमारे गेम के अंदर आने वाला है। कुछ आने वाले दिवाली फिट्स रिलेटेड भी अपडेट आप लोग को मैं वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, जिसमें हमारे दिवाली के टाइम पे आने वाला है पिछले साल की तरह इस बार भी दिवाली पास इवेंट, जिसमें आप लोग को एक ग्लोबल कास्कन देखने मिलने वाला है, साथ ही गजर एक व्हीकल कास्कन रहने वाला है एंड और भी ढेर सारे आइटम आप लोग को सिर्फ 99 में देखने मिलने वाला है। इसके डेट के बारे में, साथ ही इवेंट्स के बारे में हम लोगों पे बात करने वाले हैं। इसके साथ साथ हम लोगों पे बात करने वाले हैं दिवाली के टाइम पे आने वाले काफी सारे और भी अपकमिंग अपडेट एंड इवेंट्स के बारे में। ब्लैक टी शर्ट हमारे गेम की तरह आप लोगों को फेडरल में दिवाली के टाइम पे रिटर्न देखने मिलने वाला है। अब आप लोग काफी टाइम से पूछ रहे थे पर्पल सेट बंडल हमारे गेम के अंदर कब रिटर्न में आने वाला है। आज मैं आप लोग को वीडियो के अंदर पर्पल सेट इवेंट से रिलेटेड अपडेट देने वाला हूँ। इससे रिलेटेड एक फेडरल हमारे गेम के अंदर आने वाला है एंड और भी ढेर सारे अपकमिंग अपडेट एंड इवेंट्स के बारे में हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं। जल्दी से गाइस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, गाइस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। साथ ही अगर चैनल पे न्यू आ रहे हो चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को सेट कर रख लीजिएगा, क्योंकि आपका भाई पर डे आपके लिए ऐसे फिर पार्ट से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो फाइनली गाइस वेलकम बैक अगेन। तो यहाँ पे बात करने वाले हैं काफी सारे अपकमिंग अपडेट एंड गाइस इवेंट्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं, आप लोगों को जल्द ही एक क्रेट मिलने वाला है बिल्कुल फ्री में, जिसमें आप लोगों को ढेर सारे डायमंड मिलने वाले हैं। हमारे बुयर डेमेंट से रिलेटेड आप लोगों को जल्दी एक कॉल बैक इवेंट देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे देख लीजिए, इस क्रेट के अंदर आप लोग को ढेर सारे डायमंड बिल्कुल फ्री में यहाँ पे मिलने वाला है। इस कॉल बैक इवेंट का जो डेट है 30 सितंबर को बताया जा रहा है। 30 सितंबर को आप लोग ये जो कॉल बैक इवेंट है हमारे गेम के देखने मिल जाएगा, जिसमें आप लोग को एक क्रेट मिलने वाला है और काफी सारे और भी रिवार्ड मिलने वाला है। वैसे तो गाइस काफी कम ही लोगों को डायमंड्स मिलते हैं, आप लोग में से किसी लोग को अगर डायमंड्स मिले होंगे तो मुझे कमेंट में जरूर से आप लोग बता दीजिएगा। वीडियो में गाइस आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक काफी मस्त इवेंट के बारे में, जो काफी सारे आईडी में देखा जा रहा है। अब यार हेडआउट सेक्शन में इलाइट पर डिस्काउंट डाला गया, आपको पता है सभी के आईडी में जो डिस्काउंट इवेंट चल रहे हैं, बट यार कुछ ऐसे भी आईडी है जिसके अंदर एक न्यू हेडआउट सेक्शन के अंदर इवेंट डाला गया है। सबसे पहले गाइस इवेंट एंड गाइस रिवार्ड आप लोग यहां पे देख लीजिए, देखो काफी खतरनाक रिवार्ड इसके अंदर डाला गया, क्योंकि ईवो का स्किन यहाँ पे दिए जा रहे हैं, वो भी यार M187 का, साथ ही और भी ढेर सारे रिवार्ड आप लोग इसके अंदर देखने मिल रहे हैं। एंड देखो अगर फेडरल विल से अगर आप लोग इस वाले गन स्किन को निकाले वाले हो तो ऑलमोस्ट 1200 डायमंड लगे थे एंड यार इस वाले इवेंट के अंदर आप लोगों को काफी कम ही ये जो है गन स्किन मिल जाने वाला है। 100 से 200 डायमंड के बीच आप लोग ये जो गन स्किन मिल जाने वाला है। इसके साथ साथ और भी ढेर सारे रिवार्ड है जो आप लोग को मिलने वाला है। देखो काफी सारे आईडी में ये जो है हाइड्रोट सेक्शन के अंदर इवेंट डाला गया है एंड देखो बैक टू बैक काफी सारे आईडी में डाले जा रहे हैं। आप लोग भी अपना हाइड्रोट सेक्शन में जाकर चेक कर लीजिएगा शायद से इवेंट आया हुआ होगा, क्योंकि काफी सारे आईडी में देखा है मैंने एंड यार मेरी आईडी में तो ऐसे अवेलेबल नहीं है, लेकिन काफी सारे आईडी में ये जो है इवेंट डाला जा रहा है। आगे बढ़ते हैं गाइस वीडियो में और बात करते हैं काफी सारे और भी अपकमिंग अपडेट एंड गाइस इवेंट्स के बारे में, जो आप सभी को जल्दी हमारे गेम के अंदर देखने मिलने वाला है। गाइस पे बात करते हैं पर्पल सेट बंडल रिटर्न के बारे में। इससे रिलेटेड आप लोग काफी टाइम से काफी सारे क्वेश्चन कर रहे थे कि भाई कब रिटर्न में आने वाला है पर्पल सेट बंडल हमारे इंडियन सर्वर के अंदर, लेकिन यार इससे रिलेटेड कोई भी इवेंट फिलहाल के लिए कंफर्म नहीं था। बट देखो इससे रिलेटेड एक लिस्ट निकल कर आ रहा है फेडरल बिल के अंदर, आप लोग को हमारे जो पर्पल सेट बंडल है रिटर्न में देखने मिलने वाला है इसका मेल वर्जन। अब गाइस इवेंट के बारे में बताने से पहले आप लोग को बताना चाहूंगा, ये जो इवेंट है सबसे पहले बांग्लादेश के सर्वर में आने वाला है, उसके बाद ही आप लोग को इंडियन सर्वर के अंदर ये जो है इवेंट देखने मिलने वाला है। बात करते हैं इसके डेट के बारे में, बांग्लादेश से इंडियन सर्वर के अंदर ये जो इवेंट कब आने वाला है। देखो काफी टाइम तक अपडेट आ रहे थे कि दिवाली के इवेंट तक ये जो है इंडियन सर्वर के अंदर आने वाला है, बट देखो दिवाली के टाइम पे काफी सारे इवेंट ऑलरेडी रिटर्न में आ रहे हैं, इसके कारण गिरना फिर पर इस वाले इवेंट को हमारे गेम के अंदर आप लोग को विंटरलैंड के इवेंट के टाइम पे देने वाला है, या फिर हो सकता है दिवाली के बाद जो हैलोवीन इवेंट हमारे गेम के अंदर स्टार्ट होने वाला उस टाइम आप लोग को देखने मिल सकता है, बट दिवाली के टाइम पे फिलहाल ये जो इवेंट हमारे गेम के अंदर नहीं आने वाला। अब अगर देखो ना ही इंडियन सर्वर के लिए ना ही गाइस बांग्लादेश के सर्वर के लिए इसका डेट अभी कंफर्म हुआ है, बट यार इवेंट जो है कंफर्म है, आप लोग को जल्दी हमारे गेम में तो देखने मिल जाएगा। अब देखो वेव इवेंट के अंदर नहीं फेडरल विल के अंदर आने वाला है, तो भाई बंडल आप लोग को काफी कम डायमंड में ही मिल जाने वाला है। बात करते हैं इसके कुछ प्रेडिक्टेड डेट के बारे में, कब तक ये जो है इवेंट हमारे गेम में तो देखने मिल सकता है। देखो अक्टूबर के बाद का जो मंथ है हमारे गेम तरह हैलोवीन पार्टी इवेंट स्टार्ट होने वाला, उस टाइम आप लोग को ये जो इवेंट गेम का हिस्सा से देखने मिल सकता है। अगर यहाँ पे नहीं डाला जाता इस वाले ओवी अपडेट के अंदर, तो आप लोग को विंटरलैंड का जो इवेंट आने वाला हमारे गेम उधर OV37 के अपडेट में वहां पे देखने मिल जाएगा। अब चलो कुछ तो अपडेट रिलेटेड आ चुका है, यहाँ पे आने ही वाला है जल्दी आप लोग को गेम उतर ये जो बंडल है। फिलहाल यार वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं और भी कुछ अपडेट जो हमारे गेम उतर आने वाला है जिसके बारे में। उससे पहले अगर आप लोग वीडियो को अब तक देख रहे हो तो अगर वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, साथ ही अगर चैनल पे न्यू आ रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को सेट कर रख लीजिएगा, क्योंकि आपका भाई पर डे आपके लिए ऐसे ही फिर फायर से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। सो गाइस सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा एंड एक प्यारा सा कमेंट भी कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर से कर दीजिएगा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है। वीडियो में गाइस आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दिवाली इवेंट एंड गाइस दिवाली इवेंट
में आने वाले काफी सारे इवेंट रहने का अपडेट के बारे में। सबसे पहले दिवाली के टाइम पे हमारे गेम पर एक नेक्स्ट डायमंड रोल भी आने वाला है। डायमंड रोल का जो बंडल है इंडियन सर्वे के लिए कंफर्म हो चुका है। काफी टाइम के बाद जो डायमंड रोल का बंडल है काफी मस्त आने वाला है हमारे गेम के अंदर। वैसे देखो मैंने आप लोगों को बताया भी था ये जो डायमंड रोल का बंडल है गेम के अंदर आने वाला था, बट फिलहाल उतना कंफर्म नहीं था कि यार इंडियन सर्वे के अंदर ये जो बंडल आने वाला है, बट अभी फिलहाल ये जो बंडल कंफर्म हो चुका हमारे इंडियन सर्वे के लिए। नेक्स्ट डायमंड रोल के अंदर आप लोग ये जो बंडल है हमारे इंडियन सर्वे के अंदर देखने मिल जाएगा। एंड यहाँ पे बात करते हैं आने वाले दिवाली के टाइम पे और भी कुछ इवेंट्स के बारे में, तो यहाँ पे एक और भी फेडेड विल इंडियन सर्वे के लिए कंफर्म हुआ है। ब्लैक टीशर्ट इंडियन सर्वे के अंदर कंफर्म हो चुका है। ब्लैक टीशर्ट के साथ साथ आप लोग एक ग्लोबल का स्किन भी देखने मिलने वाला है। देखो ये जो ग्लोबल का स्किन है साथ ही ब्लैक टीशर्ट काफी सारे सर्वर में पिछले ही अपडेट में डाला गया था। देखो बांग्लादेश के सर्वर में भी ये जो है फेडेड विल डाला गया था, इंडियन सर्वे के अंदर ये जो फेडेड विल नहीं आया है, इसलिए दिवाली के टाइम पे गिना फिर इसे जरूर से आप लोग को रिटर्न में लाकर देने वाला है। डेट के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं, इसका जो डेट है दिवाली के पीक डे के टाइम पे होने वाला है। दिवाली का जिस दिन पीक डे है उस टाइम ही आप लोग को ये जो है फेडरल विल हमारे इंडियन सर्वे के अंदर देखने मिल जाएगा। आप में से कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ब्लैक टीशर्ट ऑलरेडी अवेलेबल है मुझे कॉमेंट में जरूर से बता दीजिएगा, क्योंकि भाई यहाँ पे फेडरल विल के अंदर ये जो इवेंट आने वाला है इसके बाद सभी के पास ब्लैक टीशर्ट मुझे लग रहा होने वाला है। अब देखो फेडरल विल के बारे में यहाँ पे बात कर लिया है, तो यहाँ पे एक और भी इवेंट के बारे में बात कर लेते हैं। टोकन टावर की इवेंट जो हमारे बुईया डे से रिलेटेड होने वाला है, बुईया डे का पीक डे होने वाला है 22 अक्टूबर को। एंड का जो 22 अक्टूबर को जो हमारा बुईया बंडल है गेम रिटर्न में देखने को मिलने वाला है। इवेंट के बारे में आपका भाई आप लोग को काफी पहले से बता रहा है कि बुईया डे का इवेंट हमारे गेम उधर आने वाला है, बट डेट कंफर्म नहीं था। फिलहाल का जो डेट कंफर्म हो चुका है 22 अक्टूबर को आप लोग को बुईया बंडल इवो बंडल जो हमारा पिछले ही अपडेट का है वो आप लोग को देखने मिलने वाला है हमारे गेम के अंदर। अभी इसे रिटर्न लाने का रीजन ये है कि देखो इस अपडेट में कोई भी इवो बंडल नहीं है, इसलिए बुईया बंडल को फिर से गिना फिर हमारे गेम रिटर्न में लाने वाला है। एंड जो इवो गन स्किन है बुईया डे से रिलेटेड वो ऑलरेडी गेम रिटर्न में आ चुका है। बड़े मेगा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दिवाली पास का इवेंट आने वाला है हमारे गेम अंदर, जिसके बारे में पिछले साल आपको पता है दिवाली पास का इवेंट हमारे गेम अंदर डाला गया था। एंड फिर से आपसे को दिवाली पास का जो इवेंट है हमारे गेम अंदर देखने को मिलने वाला है। देखो पिछले साल एक बेकल का स्किन साथ ही ग्लो वाले एंड और भी काफी सारे आइटम आप लोग को इसके अंदर देखने मिले थे। इस बार भी गाजर सेम कॉन्सेप्ट होने वाला है, इस बार भी आप लोग को एक ग्लोबल का स्किन देखने मिल रहा है। ग्लोबल का स्किन आप लोग देख लीजिए, देखो दो ग्लोबल का स्किन है जिसके चांसेस हो रहे हैं कि आने वाले हमारे पास इवेंट के अंदर आप लोग को देखने मिल सकता है। ग्लोबल का स्किन तो आप लोग को मिलने वाला है, इसके साथ आप लोग को इंक्यूबेटर गन स्किन भी मिलने वाला है 10 डेज के लिए। साथ ही का जो इमोट्स भी मिलने वाले हैं जो आप लोग 10 डेज के लिए यहाँ पे ले सकते हो। पता है डेली लॉगिन रिवार्ड आप लोग को इस वाले इवेंट के अंदर मिलते हैं 10 डेज के लिए, जिसमें आप लोग को ढेर सारे आइटम देखने मिलते हैं। इस बार का जो आने वाला है रिवार्ड जिसमें आप लोग को इंक्यूबेटर गन्स के देखने मिलने वाला है पोकर MP40 का। साथ ही रैंप से रिलेटेड कुछ आप लोग को इसके अंदर इमोट्स भी देखने मिलने वाला है जो टाइम लिमिटेड रहने वाला है। 99 डायमंड में आप लोग को ढेर सारे आइटम यहाँ पे मिलने वाला है। इसके डेट के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं, इसका जो डेट है दिवाली पीक डे के बाद रहने वाला है, क्योंकि दिवाली के पीक डे के टाइम पे आप लोग को वैसे भी ढेर सारे इवेंट आने वाले हमारे गेम के अंदर। पिछले साल भी ये जो इवेंट आप लोग को दिवाली के पीक डे के बाद ही देखने को मिला था हमारे गेम के अंदर, इस बार भी वैसा ही होने वाला है। दिवाली के बाद ही आप लोग को ये जो इवेंट हमारे गेम अंदर देखने मिलने वाला है जो पीक डे के बाद होने वाला है। वैसे आपको एक अपडेट पता है, दिवाली इवेंट जो हमारे गेम के अंदर आने वाला है साथ ही जो बुईया इवेंट आने वाला है दोनों साथ साथ रन करने वाला है। दोनों का जो पीक डे है बस 2 दिन का डिफरेंस है। बुईया डे इवेंट का जो पीक डे है 22 अक्टूबर को रहने वाला है, शायद दिवाली इवेंट का जो है पीक डे है दिवाली के 1 दिन बाद रहने वाला है। अब आप लोग मुझे कमेंट में बता देना दिवाली इस पर कब रहने वाला है। शायद 23 या 24 अक्टूबर को दिवाली इवेंट का पीक डे देखने मिल जाएगा, जिसमें ढेर सारे इवेंट आप लोग को फिर से देखने मिलने वाला है एंड ढेर सारे आप लोग को रिवार्ड भी मिलने वाला है। अगले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दिवाली लूडो इवेंट आने वाला हमारे गेम पर, जिसके बारे में आप लोग को वीडियो चाहिए नहीं मुझे कमेंट में जरूर से बता दीजिएगा। आई होप आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो मुझे कमेंट में जरूर से बता दीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर रख लीजिएगा, वीडियो को भी एक लाइक करके रख लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मैं वीडियो पूरा देख लेंगे, धन्यवाद।